देखिए, आज जो एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर कि सभी जो हमारे संस्थान हैं उसके ऊपर आक्रमण हुआ है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, आरबीआई हो, चाहे हमारा ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी ये तंत्र हैं ये इस्तेमाल करे जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उनकी आवाज़ को बंद करें, चुप करें। और जो एक तरह का एक डर का माहौल जो पूरे देश के अंदर पैदा हो रहा है, आज हर व्यक्ति इस देश का नागरिक चाहता है कि हमारा लोकतंत्र बचा रहे, हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, हम जो मर्जी आए वो बोलें, एक डिसेंट की जो आवाज़ है उसको चुप कराने के लिए सारा कार्य हो रहा है। बिल्कुल ये सरकार बिल्कुल विचलित हो चुकी है, डर चुकी है, जब भी इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि हजारों लाखों केस चल रहे होंगे पूरे देश के अंदर, डेफोमेशन के चल रहे हैं और भी केसेस चल रहे हैं, अब लगभग डेढ़ महीने के अंदर, सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर कोर्ट का जजमेंट भी हो जाता है, उसके बाद 18 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्य भी समाप्त की जाती है। तो आप ये देखिए, ये सीधा यही दर्शाता है कि सरकार बहुत डर चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डरते नहीं हैं, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आमजन की आवाज़ उठाते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि ये पूरा एक डाइवर्ट करने के लिए, एक पूरी एक जो नज़र है उसको हटाने के लिए कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसकी, इसलिए वो बीजेपी इसकी बात ओबीसी की बात कर रही है। कोई चोर होता है, कोई अपराधी होता है, उसकी कोई जात नहीं होती है। और जहाँ तक कि माननीय अडानी के बारे में बात करी है या नीरव मोदी के बारे में बात करी है, वो तो ओबीसी में आते ही नहीं, लेकिन इनका बहुत पुराना रिश्ता है। जब से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, वो सारा का सारा जो फंडिंग होता था उनका, जो उनको लाभ गुजरात में मिलता था, वो बहुत पुराना इनका एक तरह से चोली दामन का रिश्ता है। इनकी हवाई जहाज पूरे हमने कैंपेन में देखा, 2014 की कैंपेन में इनकी हवाई जहाज पूरी इस्तेमाल की गई, फंडिंग इनने करी है, दूसरे प्रदेशों ने इनने फंडिंग करी है। और एक सामने, ये तो आंकड़े हैं सामने, कि अडानी जी कुछ साल पहले क्या उनके वर्थ था, क्या उनके पास कितना उनकी कमाई थी, और आज 300 और 400 गुना बढ़ गई है। तो ये सीधा सीधा लाभ मोदी जी इनको पहुँचा। मैंने राहुल गांधी जी के साथ बहुत नज़दीकी से काम किया, हम दोनों का अपॉइंटमेंट जब AICC के अंदर साथ साथ ही हुआ था, वो जनरल सेक्रेटरी था, भारतीय युवक कांग्रेस का राहुल गांधी जी इंचार्ज थे, मैं से इंचार्ज था, उनके साथ बहुत नज़दीकी से मैंने काम किया है। और उनकी एक जो सोच है वो एक तरह से आज की जो इस तरह की राजनीति है उससे बहुत बड़ी एक सोच उनकी है। उनका दिल में दर्द है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और वो एक तरह से देश की राजनीति के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी की जो यात्रा जो उन्होंने एक शुरुआत करी है उससे बहुत बड़ा एक फ़र्क, जो बहुत बड़ा एक बदलाव जो आया है वो मैं मानता हूँ कि जनता के अंदर बदलाव आया है, और एक तरह से जनता को एक एक मौका मिला है कि अपनी बात रखने का। जो कोई पीड़ित व्यक्ति है गांव में जो परेशान हो रहा है, छोटा व्यापारी है वो परेशान हो रहा है, इस यात्रा के दौरान उसके अंदर भी बहुत बदलाव आया है। बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप देखें कि अधिकांश जो विपक्षी पार्टीज हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो डरे हुए हैं। आज कुछ बोलते हैं, अगले दिन ईडी आ जाती है, परसों सीबीआई आ जाती है, अगले दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, उनको उनके खिलाफ केसेस दायर हो जाते हैं। आज जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो बात है, आज जो जिस तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर फैल रहा है, चाहे वो राफेल डील की बात हो, चाहे अडानी की बात हो, चाहे अंबानी की बात हो, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनने पूरे देश को कैप्चर कर लिया है, मीडिया को कैप्चर कर लिया है, जुडिशरी को इनने कैप्चर करने की अब कोशिश चल रही है। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी निडर होकर लोकसभा के अंदर बोलते थे, लोकसभा के बाहर बोलते थे, वो एक तरह से उसका एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक उसका बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस पार्टी ने देश की लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, इस देश का जो आज लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, उसकी एक शुरुआत करी, और एक तरह से पूरे देश की आज नींव रखी, जो आज इतना देश आगे बढ़ा है, उसकी उसकी रक्षा करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हर कांग्रेस का व्यक्ति और कांग्रेस के साथ साथ हर देश का नागरिक तट पर खड़ा हुआ है,
खून और पसीने के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे और एक तरह से वापस आज़ादी की लड़ाई वापस कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़कर इस देशवासियों के साथ वापस लड़नी पड़ेगी।